भाई दुल्हन भी दिखाता हूँ तुम्हें, ये देख लो भाई तगड़ी ग्रिप लग गई भाई ये तो। पवन दिन का है जी, क्या मांग तांग है जी आपकी? भाई ये देखो भाई ये कौन सी पप्पी है, ये पोजीशन होनी चाहिए डॉग की। एंट्री करते भाई सबसे पहले ये देख लो क्या है। पिकू सिग्नेचर ब्रिज घुमा दू तुझे। तो हे गाइस वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग, और आप देख रहे हैं शेर छुपी के व्लॉग। आज दिल्ली में लगी हुई है डॉग मार्केट, तो मैं जा रहा हूँ भाई वहाँ पे अल्फा जैसा पप्पी देखने के लिए। अगर भाई मेरे को मिलता है मैं पक्का पक्का वहाँ से लेके आ जाऊंगा, अपने साथ में ना पिकू को भी लेके जाऊंगा। वहाँ पे डॉग मार्केट है भाई, देख क्या होते हैं क्या सीन होगा वहाँ पे। व्यू की बॉल उठा ली, पर भाई इसकी इतनी भयंकर ग्रिप लगवा दी थी, बॉल भी नहीं निकाल पाया कोई इसके मुंह में से। सोच सकते हो कितनी भयंकर ग्रिप होगी भाई पिकू की। अभी पिकू को दही खिलाते हैं। भाई कोको भी आ गई है घर पे, भी जाएगी डॉग मार्केट में आज। डॉग मार्केट डॉग शो डॉग कैसा है भाई? पिकू भी आ गया, तू अपना खाना छोड़ के क्यों आ गया? पहला खाना तो खा ले, भूख मर जाएगा वहाँ। अच्छा भाई जब जाम जा रहे हैं ना भाई, वहाँ पे ना डॉग का प्रदर्शन भी होता है भाई। कैसे कैसे होगा मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं है, कि कोई तैयारी नहीं है, ये तो पता ही नहीं था। कल रात ही पता लगा, इसने बोला कि चलेंगे, तो यार मैं अब ये सोच रहा हूँ कि भाई पिकू वहाँ जाके क्या करेगा, कभी ये नाचने ही लगे। स्टैग वगैरह सिखाने पड़ते हैं, सारी चीज करनी पड़ती है। अब मैंने तो भाई इसे कभी सिखाया नहीं, चीज का तो मेरे को पता ही नहीं था। ये देख लो भाई छोटा सा पप्पी लेके आए हैं घर पे। इसका भाई निकल गया भाई डॉग शो के लिए। मैं तुम्हें सुबह सुबह बता रहा था कि डॉग मार्केट में जा रहे हैं। वैसे भाई वहाँ पे ना पिल्ला वगैरह भी मिल जाएगा। हाँ दोनों ही है, डॉग मार्केट भी है डॉग शो भी है। और स्पेशल भाई मैं तो ये देखने के लिए जा रहा हूँ कि भाई मेरे को वहाँ एल्फा जैसा पप्पी मिल जाए। मिल गया तो क्या करेंगे, लेके आऊंगे। पीछे पिकू है, बैठी कोको। गाइस अभी दिल्ली में तो एंट्री कर लिया, देख लो टाइम 12:16 हो गए, पता नहीं कब पहुंच पाएंगे भाई, इतना भयंकर जाम लगा हुआ है यहाँ। फाइनली दिल्ली पहुंच गया भाई, और अभी इंतजार कर रहे हैं अपने दो तीन दोस्त और आने वाले हैं, उनके साथ चलेंगे भाई डॉग शो के अंदर। बाकी भाई जब ये आ रहे थे ना बार मुंह निकाल रखा था, तो जितने भी लोग बाग थे ना सब ये देख के हैरान हो रहे थे कि इतने खतरनाक खतरनाक डॉग तुम्हारी गाड़ी में है। सबका रिएक्शन ना बहुत धांसू था। थक गए भाई, फिल्टर पट गए नहीं। जब मैं वाइड एंगल पे बनाऊ ना वीडियो तब भाई पिकू छोटा सा लगा है, भाई मैं नॉर्मल बनाऊ ना तब पूरा खतरनाक लगा है। बट ये देख लो भाई क्या हालत होगी इसकी धूल में, काला था ये, बुरा हो गया, मेकअप हो गया इसका तो। जब भाई भी मिल गया है और ये बता रहा है कि भाई डॉग शो ना कैंसिल हो गया, एक जगह से दूसरी जगह चला गया। ये बड़ी अच्छी बात कही भाई, जब एक जगह स्टॉप लिया है तो दूर जाना पड़ेगा, अभी डॉग शो दूसरी जगह हो रहा है। भाई पिकू को और कोको को लेके चलते हैं, हमने भीड़ देखते हैं क्या रिएक्शन होगा। अभी मजा आएगा, आ जा। भी खतरनाक रिएक्शन आया भाई, सबके सब ऐसे देख रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया। गाइस अभी एक स्टॉप और ले लिया, और ये देखो भाई अभी ना सिग्नेचर ब्रिज पे लिया है स्टॉप भी। अब की बार चला जा पिकू, सिग्नेचर ब्रिज घुमा दू तुझे। ट्रैफिक ज्यादा है, आजा 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 आजा। पिकू घूम रहा है भाई सिग्नेचर ब्रिज के नीचे, ये देख लो भाई। जब पीछे पुलिस वालों का रिएक्शन देखो, कितना खतरनाक रिएक्शन आ रहा है। जब एक और डॉग आ गया, वो भी डॉग शो में जाएगा। फाइनली डॉग शो के पास पहुंच गए, ये देख लो भाई गाड़ी की लंबी लंबी लाइन लगी हुई है आगे पीछे, सब अपने डॉग को लेके आए होंगे। थोड़ा सा सिस्टा डाउन है, इसे प्रॉपर कर लो पहले, फिर पिकू को उतारूंगा। लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये, डॉग शो में आने का सबसे पहला नुकसान तो ये है। ओ भाई एक मिनट रुक जाओ यार, गाड़ी तो बंद करिए। डॉग शो में आने का सबसे पहला और बड़ा नुकसान तो ये है कि भाई तुम्हें लोकेशन सही नहीं पता ना, तो तुम मत आओ। अच्छा 4 बज गए हैं यहाँ तक पहुँचने में, इस टाइम तो लगभग डॉग शो खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि हालत बेकार हो गई है बिल्कुल। ये देख लो भाई कितना छोटा है, इतनी गाड़ियों में ना सब अपने डॉग लेके आ रहे हैं। देख लो भाई छोटा सा ब्लैक पग भी ले रहे हैं, हमारे कोको भी आ गई भाई अंदर। गाइस एंट्री हो गई भाई, कैपिटल कैनल क्लब। एंट्री करते भाई सबसे पहले ये देख लो क्या है, ये तो अटैक कर रहा है सीधा। गाइस तिब्बतन मैस्टिफ भाई, ये देख लो भाई कितना जबरदस्त है, इसका कोट देखो भाई कितना खतरनाक है, और फेस देखो भाई कितना बड़ा है। एंट्री करते भाई कुछ ऐसा लुक है भाई, इधर स्प्रे वगैरह भी लगा रहे हैं। भाई मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं तो कुछ भी नहीं लेके आया यार। वो नहीं नहीं भाई, कुछ इस तरीके से हो रहा है वायरिंग यहाँ पे, ये पोजीशन होनी चाहिए डॉग की। वन रिंग टू के विनिंग डॉग के। ओ नहीं 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 भाई, इधर ये चल गया रिंग। इसकी क्वालिटी देखो भाई, इसकी क्वालिटी फुल मार सर। ओ नहीं, हो मैं गांव वाली भाषा मत अपना यार, शहर मारे सारे आप वो भी डॉग है। ये कौन सी नस्ल है भाई, यार इसका मुंह कैसा है भाई? इधर भी रिंग हो रहा है दूसरा भाई, इधर देखो जेंट जेंट डॉग है। ओ भाई ये देख लो ग्रेडियन कितना बड़ा है यार, इधर ये देख लो, ये भाई क्या बड़े बड़े डॉग है यार। पिकू तो भाई इनके सामने भी छोटा सा लग रहा है, व्हाइट हस्की भी, और थके सो गया आराम से इसके अंदर। देख लो भाई क्या फेस है, लेकिन ये भी नहीं लड़ा ना ये लड़ा। भाई रोड व्हीलर भी आया हुआ है, क्यूट क्यूट सी पप्पी है, देख लो क्या छोटी छोटी क्यूट क्यूट सी है, बाल भाग के तो घनी प्यारी लग रही है। अटैक कर लग रहा, किसी को डबू को भाग बढ़ा, किसी डबू को। जिस कलर का ये है ना, मेरे को इस कलर का पप्पी चाहिए इस साइज में ही।
तो भाई सब की तरह भाग रहा एकदम से। ओ भाई आई ये देखो भाई ये कौन सी पप्पी है। ओ भाई ये तो बिल्कुल अलग ही चीज है यार। क्या लगा के बाल खड़े करे जा रहे इसके भाई। मुझे तो ऐसा लग रहा पिकू ना किसी के साथ तो लड़ेगा जरूर यार। जब ग्रेट डैन की क्वालिटी देखो भाई। ये देखो भाई इसका मुंह तो चमक ही नहीं रहा बाल ज्यादा है और ब्यूटीफुल लग रहे भाई पूरे। वो भी ब्यूटीफुल लग रहा पूरा। उसके ऊपर अटैक कर दिया था। ये भी जा रहा हूँ भाई पप्पी की मार्केट में जहाँ पे पप्पी मिल सकता है। ऐसे कोई दुकान वगैरह तो नहीं लग रही। कुत्ता सुतरा भाई तेरा। धन्यवाद जी। बहुत सुंदर। उसमें ना कैट भी आ रही थी इधर की साइड। ये रहा भाई जर्मन शेफर्ड। इनके पास जर्मन शेफर्ड का मेल आया तो ये देखते हैं। दिन का आएगा जी। क्या मांग तांग है जी आपकी। दिन का आएगा जी। क्या मांग तांग है जी आपकी। अभी सेल पे है भाई। काटने का तो नहीं हाथ फेरू। गाइस ये देख लो भाई कैट डॉग के साथ है। मेल को क्या कहे कैट को। मेल नहीं मतलब जैसे कैट तो होगी बिल्ली। बिल्ला बिल्ला को क्या बोलेंगे। बिल्ला तो भाई सीधी सी बात है भाई ये बिल्ला है। जब ये हमारे साथ जो गाड़ी में आया था ना वो मेल नहीं था ये फीमेल है और इसका नाम बेला है। गाइस अभी अटैक हो गया तो नीचे पीकू है ऊपर ये है। ऊपर ये ज्यादा एग्रेसिव है। अर्जेंटिनो की ये देख लो तुम क्वालिटी क्या है। ये देखो भाई क्या सुपर्ब क्वालिटी है। हाइट लेंथ फेस सारी चीज देख लो सुपर्ब है। कैन कोर्सो को देख लो भाई क्या कलर है। पहले तो ये देखो आज तक तुमने ब्लैक देखे होंगे लेकिन ये देखो क्या कलर है। और अभी क्वालिटी देखो भाई तुम्हें बिल्कुल अलग चीज दिखाता हूं भाई। यार तू इसके साथ ही आके पंगा कर हर बार। ब्रीड का नाम तो मेरे को भी नहीं पता क्या ब्रीड है भाई। ये कौन सी ब्रीड है ये। भाई चीन बन गया होता भाई चैन खुली। भाई रुक 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 रुक। जब ये देखो भाई तुम कितने क्यूट क्यूट पप्पी है छोटे छोटे से। नहीं कुछ नहीं करने का भाई। यार नहीं करने का भाई टेंशन ले। ये डर गया भाई ये नहीं सोच रहा था कि अटैक कर देगा। छोटी सी नन्नी मुन्नी सी। कौन सी ब्रीड अंकल। क्या है जाएगी इसकी। दो साल। दो साल की कैसी है कितनी छोटी है बट क्यूट है। यार क्या सीन कर दिया। ओ भाई पकड़ इसे पकड़ पकड़ पकड़। चैन डालो ना। ये भी सीन बन गया था भाई। मैं ना फिर वो छोड़ के चला गया था। हाथ में जो आ रहे हैं ना उनको देकर चला गया था और भाई उनके हाथ में से निकल के भाग पड़ा। कुछ ना कुछ बुरा सीन हो सकता था। इधर देखो भाई ग्रे डैन ब्लैक ग्रे डैन क्या सुपर क्वालिटी है यार। वो भाई अटैक कर रहे तो अटैकर है। नहीं वो ए पिकू नहीं। पिकू भी भाई एग्रेसिव हो गया उनकी तरफ को। भाई इधर ये बॉक्सर भी एग्रेसिव हो रहा। रोड व्हीलर की ग्रिप चेक करी जा रही है भाई। भाई ये रोड व्हीलर है बट इनकी बात नहीं मानना। पिकू है ना भाई तुरंत बात मान ले। कहते ग्रिप छोड़ देगा। अब ग्रिप लगा दी इसने। ओ भाई जब भी पिको कह रहे हैं भाई इसे दूर कर लो कभी एक फाइट ही हो जा। तगड़ी ग्रिप लग गई भाई ये तो। ये देख लो अपने हाथ से हटा रहा ग्रिप भाई। ओ छुटकी छुटकी बोल छुटकी। नहीं लगाया नहीं हमको पता ही नहीं था भाई कैसे क्या होगा। कौन सी ब्रीड है भाई। मैं तो शिटजू कह रहा था लेकिन ये लासा अप्सू है। मैं तो भाई ये देखने के लिए आया था किस तरीके से डॉग्स होता है कैसे पार्टिसिपेट करा जाता है ये चीजें देखने के लिए आया था भाई। वैसे मेरे को कुछ भी मालूम नहीं था ऐसे ही आ गया भाई। मैं तो पिकू भी परेशान हो रहा है भाग रहा है एक दूसरे डॉग की तरफ को। जो मैं मेन पर्पज के लिए आया था ना कि मेरे को यहाँ अल्फा जैसा डॉग मिल जाएगा बट ऐसा हुआ नहीं बिल्कुल भी। यहाँ कोई डॉग ही नहीं आ रहा भाई सेल परचेज के लिए। रोड व्हीलर से ग्रिप लगवा रहे हैं बॉल पे भाई। पिकू को बॉल पकड़ा दो कोई मुंह से निकाल के दिखा दे। मेरे को दो पप्पी दिखे हैं मैं उनके पास चलता हूँ देख के आता हूँ भाई कौन सी नस्ल के हैं। लैब्रा के पप्पी हैं सेल करने हैं क्या। नहीं नहीं कुछ नहीं कहने का भाई। दुल्हन भी दिखाता हूँ तुम्हें ये देख लो भाई। भाई गाइस ये क्या है ये कौन सी ब्रीड है। टॉय पुडल भाई इसको दूर। टॉय पुडल नहीं ये नहीं कहने का कुछ भी। तो रोड व्हीलर मार दिए भाई इसलिए कह रहा हूँ मैं। क्या क्या बोला तूने पहले क्या बोला। चल छोटे छोटे पप्पियों का डॉग्स होना उसमें भाई सारे के सारे पप्पी सारी ब्रीड के पप्पी एक साथ छोड़ दे जा और इनमें कौन सी ब्यूटीफुल होगा वो चुना जाएगा। भाई मेरे को तो सबसे ब्यूटीफुल ये लग रहे हैं ये देख लो। एग्जीबिटर प्लीज कम रिंग नंबर वन। अरे शो का विनर देखते हैं कौन है वो है भाई विनर। इस शो में तो भाई ये दो ही हैं। इन दोनों में से कौन सा विनर होगा। कोई ट्रॉफी पट्टी है दोनों ही विनर हो जाएंगे तो ये भी विनर हो गया भाई। फाइनली डॉग शो देख लिया भाई और सारी चीजें सीखी है भाई थोड़ी थोड़ी। पता लगा है कि कैसे कैसे तैयारी करवानी है पिकू की। अभी नेक्स्ट टाइम सोचेंगे ना डॉग शो होगा तब भाई कोशिश करेंगे पिकू को लेकर आने की। हाँ अब चलते हैं घर की तरफ। वैसे पिकू साथ में ही है इसने कुछ नहीं खाया तो बिस्किट खिलाते हैं भाई। थोड़ा स्टिंग भी पिला दूं क्या। कुछ भी थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी बट भाई डॉग को पिलाते नहीं आया ऐसे कुछ भी। फाइनली अब निकलने का टाइम हो गया है तो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है भाई थैंक यू। सामने देखो भाई क्या है घोड़े जा रहे हैं भाई ट्रक में आर्मी वालों के घोड़े हैं ये। अभी टाइम हो गया है 9:16। फाइनली भाई घर पहुंच गए हैं। पीकू कैसी हालत हो रही भाई। आज पीकू ने बहुत साथ दिया है और कोको के भी जाने का टाइम हो गया। बाय बाय कोको। ठीक है बाय बाय। चलो भाई बैंड तो बजी गई यार। डॉग शो का एक्सपीरियंस कैसा रहा तेरा। थोड़ा ठीक सही रहा थकावट वाला ज्यादा लंबा सा बोरिंग बोरिंग, तो बोरिंग सा दिन रहा थोड़ा सा। वहाँ जाकर तो ठीक था। मेरा थोड़ा सा बोरिंग सा ज्यादा दिन रहा क्योंकि भाई मेरे को थोड़ी बहुत तो नॉलेज थी नहीं क्या मतलब मेरे को ये नहीं पता लग रहा था वो क्या रहा यार। फाइनली गाइस घर पे पहुंच गए हैं और व्यू का मुंह देख लो कैसा हो गया डर के था ये। चलो तो गाइस आज के व्लॉग अपना यहीं पे एंड करते हैं और जिसने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर लो। जिसने लाइक नहीं करी वीडियो लाइक कर दो।